करीब 9-10 साल बाद जब मैंने उन कहानियों को स्टोरी टेल पर सुना तो मुझे एक तरह से ऐसा लगा जैसे मैं आंखें बंद करके अपने शहर सीतामढ़ी की गलियों में उन्हीं गलियों में घूम रहा हूँ। जानकीपुल वैसे मेरी पहली कहानी तो नहीं है, लेकिन इसी कहानी से मेरी बतौर लेखक ये पहचान बनी और मुझे खुद भी ऐसा लगा कि अब मैं शायद कहानियाँ लिख सकता हूँ। इस कहानी का किस्सा यह है कि 2004 की बात है, जब मैं एक लंबी नौकरी के बाद बेरोज़गारी के एक दौर से गुज़र रहा था और मैंने सोचा अब कुछ अपने लेखन को सीरियसली लेना चाहिए। तो उन्हीं दिनों 2004 में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने नारा दिया था इंडिया इज शाइनिंग, तो मुझे अचानक से सोचते सोचते याद आया कि मैं जहाँ का रहने वाला हूँ वहाँ 20 साल पहले 2004 से 20 साल पहले करीब एक पुल का उद्घाटन हुआ था जिस पुल का नाम था जानकी पुल। और वो पुल अगर बन गया होता तो जो वहाँ आसपास के जो गाँव थे उन गाँवों की शहर से दूरी कम हो जाती और वो गाँव भी शाइन करने लगते। तो मुझे लगा कि मैंने जानबूझ के उस लोकेल को पकड़ा, क्योंकि मुझे लगा कि अगर भारत इंडिया इज शाइनिंग, भारत अगर चमक रहा है तो इसकी चमक उन गांवों तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है। इस आइडिया को लेकर मैंने जानकीपुल कहानी लिखी जिसमें टेक्नोलॉजी ईमेल का इस्तेमाल होता है कि लेखक को उसके भाई ईमेल पे पूछते हैं कि ये पुल जो जानकीपुल बना या नहीं बना, और उस पुल को लेकर उस गाँव के सपने कि सारा ज़मीनों के भाव बढ़ जाएंगे, शहर में जो चीज़ें होती हैं सब हमारे गांव में आ जाएगी। असल में देखिए इस समय भी देश में बहुत सारे ऐसे जानकीपुल हैं जिनका कभी 20 साल पहले शिलान्यास हुआ, किसी का 40 साल पहले शिलान्यास हुआ, बने नहीं। ये उन सारे अधबने पुलों, उन सारी अधबनी सड़कों, उन सारे अधबने हाईवेज़ का एक तरह से उस कहानी में सार था जो मैंने उस कहानी के रूप में लिखा। जब से मैं बड़ा हुआ तब से मैं लेखक बनने का ही सपना देखता रहा। मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, अनुवाद करता हूँ, पढ़ाता हूँ, लेकिन असल में जो कहानियाँ हैं जिनसे मुझे कहानियों का आकर्षण जिस बात से हुआ था वो मेरे दादाजी की कहानियाँ थीं जो रात के समय वो बैठकर सुनाते थे। और वो जब सुनाते थे गाँव के लोग जुट जाते थे, उनकी कहानियाँ सुनने के लिए दर्जनों लोग रोज़ जुटते थे। मुझे उससे आकर्षण हुआ था कि मैं भी कुछ ऐसा सुनाऊँगा तो लोग सुनने के लिए जुटेंगे। पिछले दिनों जब मैंने स्टोरी टेल पर उन जानकीपुल संग्रह में उस कहानी के अलावा भी जो 11 और कहानियां हैं, कुल 12 कहानियां उस संग्रह में हैं, और उन कहानियों को सुनते हुए मैं फिर से एक अलग तरह का अनुभव हुआ। लिखते हुए अपनी कहानियों को लिखकर कोई कौन पढ़ता है, तो कभी पढ़ने का उसको दोबारा मुझे मौका मिला नहीं था अपनी कहानियों को, इसलिए मैं उसको फील नहीं कर पाया था। लेकिन इतने सालों बाद उसके संग्रह के रूप में 2008 में प्रकाशित हुआ था। तो करीब 9-10 साल बाद जब मैंने उन कहानियों को स्टोरी टेल पर सुना तो मुझे एक तरह से ऐसा लगा जैसे मैं आंखें बंद करके अपने शहर सीतामढ़ी की गलियों में उन्हीं गलियों में घूम रहा हूँ। हो सकता है मेरा शहर बहुत बदल गया, हो सकता है वहाँ बड़े बड़े मॉल बन गए हों, बड़ी बड़ी दुकानें आ गई हों, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स खुल गए हों, पता नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन उन कहानियों को सुनते हुए मैं अपने मन का जो सीतामढ़ी है, जो मैं जिसके साथ जिस रूप में मैंने उसको अंतिम बार देखा था, उसी रूप में मैं फिर से देखने लगता हूँ। सुनने का अनुभव निश्चित रूप से पढ़ने और लिखने के अनुभव से बहुत अलग होता है, और आपकी कल्पना को पूरा स्पेस जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप पूरी तरह से एकाग्र होते हैं। आप पढ़ने में आपको सारा ध्यान, आपका फोकस वहीं होता है, लेकिन जब आप सुन रहे होते हैं तो आपका मन भी अपने उसके साथ साथ आज़ाद हो चुका होता है। अभी जब मैं स्टोरी टेल पर जानकीपुल संग्रह की अपनी कहानियाँ सुन रहा था तो सुनते सुनते मैं अपने शहर की यात्रा पर निकल गया और मुझे महसूस हुआ कि कुछ भी कहिए, कहानी है सुनने और सुनाने की चीज़। वक्त पीछे छूट गया था, वक्त पीछे छूटता जा रहा था, और साथ में यह एहसास भी कि वह आएगी। बीते दिनों की यादें ही रह जाती हैं, और कभी कभी मिलने को कोई पुराना रिश्ता